मैं हूं विवेक, आपके साथ हम बातचीत करेंगे कि जो घटनाक्रम, तमाम घटनाक्रम रेप कांड पे हुआ है उस पर तमाम तफसील से बातचीत होगी। हमारे साथ कई सारे गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ताजा घटनाक्रम की अगर बात करें तो आज पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। बताया गया है कि पीड़िता की हालत बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है, सीसीयू में रखा गया है, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है लगातार। इसके बाद अगर इधर प्रदर्शनकारियों की बात करें तो जंतर मंतर पर वो डटे हुए हैं, इंडिया गेट पर हालांकि उनके जाने पर रोक लगा दी गई है, वहां से मीडिया कर्मियों को हटा दिया गया है। तमाम तरह की घटनाक्रम आज दिन भर में घटी है, क्या कुछ हुआ है, क्या आगे होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज दो तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता रहेंगे शशिकेश रंजन फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। तेजिंदर खन्ना उपराज्यपाल जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अपनी सफाई पेश की है, दिल्ली की तरफ से जो सफाई पेश की है उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही विनोद पांडे रहेंगे हमारे साथ जो कि भाजपा दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक हैं। साथ ही विक्रम लोहिया जी रहेंगे जो कि सचिव दिल्ली प्रदेश हैं, कांग्रेस हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे सीधे जंतर मंतर से, उनसे बातचीत होगी और एक दो खास मेहमानों का इंतजार फिलहाल रहेगा। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो हम सत्ताधारी पार्टी से करना चाहते हैं, यानी कांग्रेस से। विक्रम लोहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। जो कांग्रेस का रुख अब तक हमने देखा है, काफी लेट से जागी है, बहुत ज्यादा जो संवेदनशीलता जो दिखाई जानी चाहिए थी, लोग ऐसा मान रहे हैं कि वो तत्परता पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आई, क्या कहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि सरकार देर से नहीं जागी है। कोई घटनाक्रम अगर सामने आता है, सरकार की नॉलेज में होता है, तो सरकार कड़े कदम उठाती है। और मैं सराहना करूंगा दिल्ली सरकार की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, कि उस पीड़िता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, हर समस्या को वो खुद हैंडल कर रही हैं और खुद देख रही हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस पीड़िता के लिए अपनी सहानुभूति, अपना सरकार का पूरा एक तरफा सिस्टम उसके साथ लगा दिया है, गृह मंत्री खुद अपडेट कर रहे हैं, सारे सिस्टम को खुद देख रहे हैं, हर समस्या का जो है सामने आ रही है, जिसका भी उसके लिए हर कड़े कदम वह उठा रहे हैं। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस कदम को सराहनीय बता रहे हैं, क्या उस कदम को भी सराहनीय बताएंगे? जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, बलपूर्वक उन्हें वहां से खदेड़ा गया, एक प्रोटेस्ट को अगर आप इस तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको जनता की सहानुभूति हासिल करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप जनता के बीच जाएंगे, उसके बाद अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो आप किस मुंह से वहां पर जाएंगे? जब आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, फिर कैसे आप उनकी सहानुभूति बटोरेंगे? लाठियां बरसाने के लिए एक बात कही जाती है कि राष्ट्रपति जी महामहिम का एक जो निवास स्थान है वह एक मर्यादा पूर्ण होता है, वहां तक पहुंचने के लिए एक कई आपको नियम और कई कायदे कानून होते हैं, किसी को अगर इस तरीके की छूट अगर हो जाती है, यानी अगर आपकी बात को माने तो एक आम जो जनता है, एक जो भारत की जनता है, वो राष्ट्रपति से नहीं मिल सकती? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति से जनता नहीं मिल सकती, जनता मिल सकती है, लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं, यानी कि उन कानूनों को पार करने में चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन नहीं, जान ना चली जाए। आप ये बताइए कि जिस प्रकार की समस्या आपके सामने है, समस्या का समाधान जरूरी थोड़ी कि लड़ाई झगड़े से दूर होता है, आप उसको शांतिपूर्वक, जिस प्रकार से मैं जनता के लिए कहूंगा, कुछ लोगों ने बड़े शांति मार्च निकाली, कैंडल मार्च निकाली, कुछ तरीके होते हैं, लेकिन उड़दंग मचाने से जी चलिए, तो आप प्रोटेस्ट को फिलहाल उड़दंग का नाम दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ डॉक्टर विनोद पांडे हैं, भाजपा से हैं, दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक हैं। डॉक्टर साहब, विपक्ष ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? विपक्ष ने अपनी भूमिका पूरी सही तरह से निभाई। जब यह कांड हुआ तो हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा जी ने लोकसभा में मांग की कि उस पीड़िता के साथ पूरा न्याय किया जाना चाहिए और संसद में ऐसे कठोर कानून लाए जाए जो एक मिसाल बने कि कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करे कि किसी अबला की इज्जत के साथ वो खेले। लेकिन सरकार ने केवल हाँ हाँ करती रही, कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब इंडिया गेट पर हमारे नवयुवक नवयुवतियां और माताएं और बहनें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कितनी बर्बरता के साथ उनका दमन किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए और यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो ऐसा लगता है मानो देश में इमरजेंसी लगा दी गई। डॉक्टर साहब, विपक्ष की तरफ से जो तेवर दिखाए जाने चाहिए थे, सिर्फ मांग की गई,
जो तेवर नजर आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा, कम रहा, आप आपको भी ऐसा लगता होगा? देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें कोई आक्रामक तेवर की कोई जगह नहीं है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सभी दल मिलकर एक निर्णय लें और ऐसे कठोर से कठोर कानून बनाए जाए जो एक मिसाल बने कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्ची या किसी महिला की इज्जत के साथ खेलने का दुस्साहस ना कर। चलिए एक कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इस कानून को बनाने के लिए एक जो विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है भाजपा की तरफ से, उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि जो गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के सत्र की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इस पर भी बातचीत करेंगे और शिंदे ने क्या कुछ कहा, हमारे जो गृहमंत्री उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ शशिकेश रंजन है, संवाददाता। आज जब तेजिंदर खन्ना बोल रहे थे तो वहां पर मौजूद थे। शशिकेश, ये बताएं कि लंबे समय के बाद उपराज्यपाल हमारे सामने आए, जरूरत थी कि जब ये जो आग जो है, जब ये इस पे चिंगारी लग रही थी तभी वो आकर इस तरह का मूव लेते और इस तरह की बातें लोगों के सामने रखते, लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करते, आश्वासन देने की कोशिश करते, ताकि ये जो आग थी ये भड़क के इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि इसके कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आ जाते। क्या कुछ कहा आज उन्होंने? देखिए जिस तरह से तेजिंदर जी ने कहा कि मेरे आने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मुझे लगा कि पूरी दिल्ली जल रही है तो उपराज्यपाल का वहां पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं इसे समझकर फौरन ही दिल्ली लौटा। और लौटने के साथ साथ इन्होंने जो कार्रवाई की बात की, मैं आपको ये बता दूं कि पूरे एक घंटे के मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए एसीपी ट्रैफिक जो श्रीमान मोहन सिंह जो दबास है उनको हटा दिया है, और एसीपी पीसीआर व्हीकल के जो श्री यादव राम जी हैं उनको भी हटा दिया गया है। कारण प्रेस वार्ता में जब पूछे जाने पर उन्होंने सीधे साफ तौर पर यह बताया कि कारण ये रहा कि ये जो जो जिन लोगों की कार्रवाई जो करनी चाहिए थी, जो प्रिवेंट दी एक्सीडेंट जो हुई है, ठीक है, उनके कारण इन लोगों को हटाया गया, क्योंकि ये जो नाकाबिले तारीफ जो इनके वर्ग थे और इन्होंने उस एक्शन को सही तरीके से नहीं लिया, इस कारण इनको फिर हटाई जा रही है। मैं इसमें एक बात ये भी बता दूं कि जब हमारे संवाददाताओं ने इनसे प्रश्न पूछा और जब मैंने भी इनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली पूरी जल रही है, जो आक्रोश लोगों में है, उस तरह से जो आपके पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जो बर्बरता पूर्वक जो मारपीट की है, प्रेसों के जो जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उनको उठा उठा के फेंका गया, उनको लाठी चार्ज किया गया, ये कहां तक सही है? उनका सीधे साफ तौर पे इस बात पर वो सिर्फ इतना ही मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि देखिए जो राष्ट्रपति भवन जो निष्ठा के लिए माना जाता है, जो हमारी संवेदनाएं है और राष्ट्रधर्म और सारी देश की जो पूरी पराकाष्ठा के बारे में उन्होंने पूरा डिप्लोमा तरीके से बात की, उन्होंने सीधे कहा कि जो लोग लांग की सीमा जा रहे थे उनके लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। मतलब वो साफ तौर पे ये कर रहे हैं कि सीमाएं लांघी गई हैं, जो आक्रोश था, जो संवेदना था, जो लोगों के जो प्रदर्शनकारी थे वो गलत थे। जी शशिकेश, जब ये चिंगारी भड़क रही थी, जब हमने देखा कि जो लोग वहां पर जुट रहे हैं धीरे धीरे, शुरुआती दिन में 17 तारीख को ये कांड हुआ, 18 को जब कुछ लोग जुटे फेसबुक के जरिए, एक सोशल नेटवर्किंग के जरिए इस बात को फैलाया गया कि हम आते हैं, वहां कुछ पर्यटन जो सैलानी थे वो मौजूद थे, वो भी इसमें शामिल हो गए, जब ये पूरा लबुलवा बन रहा था, जब ये चीजें आगे बढ़ रही थी, उस वक्त का ख्याल किसी को क्यों नहीं आया? उसके बाद जब इतनी सारी चीजें हो गई, फिर अचानक से सभी आते हैं, उपराज्यपाल आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सब आकर सफाई पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल विवेक, ये आपका कहना कहीं ना कहीं इस बात को भी जाहिर करता है कि लोग आखिर अपडेट्स होने के बाद ही क्यों आ रहे हैं? क्या उनके पास इस पूरी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही थी, जो प्रदर्शनकारी की जो गतिविधियां थी, जो संख्याएं बढ़ती जा रही थी, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, बंगाल, बिहार, पश्चिम चंपारण और सारे जगह से लोग जो यहाँ पे आ रहे थे, एकत्रित हो रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले जो रविवार से ही इस पूरे घटनाक्रम पे पूरे 24 घंटा अपने नजर को बनाए रखा हूँ, और मैं जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मैं वैसे वैसे तादाद के बारे में संख्या भी बताता जा रहा था। कल की संख्या जो हमारी थी करीब 12,000 के करीब जो संख्या थी, जिसमें से मैंने बताया था कि उसमें से 3 से 4 हजार सिर्फ महिलाओं की संख्या है। आज वो संख्या कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है, इसमें भी इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे चैनल वाले और हमारे सुदर्शन न्यूज में जिस तरह से लोगों से प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि आप संयम बरते,
कानून को अपने हाथ में न ले और जिस तरह से पीड़ित लड़की के लिए हम लोग संवेदना जाहिर कर रहे हैं शांतिपूर्वक करें। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके अपने पूरे के पूरे जो प्लानिंग के तहत भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये एक सवाल या निशान खड़ा करती है सरकार के ऊपर। जिस तरह से मेट्रो के कल मैं आपको बात बता दूं विवेक, कल मेट्रो के 7 स्टेशन बंद किए गए थे और आज कुल मिला के 9 स्टेशन को बंद किए गए हैं। उनको ये भी समझना चाहिए कि प्रदर्शनकारी के साथ साथ आज जो रेगुलर ड्यूटीज हैं, जो सोमवार जो दिन शुरू होता है, बहुत सारे कामकाजी महिलाएं और जो पुरुष है वो भी इस मेट्रो का उपयोग करते हैं, उनको कितनी दिक्कत के सामने करने पड़ रही है। शशिकेश बने रहे हमारे साथ, आपसे बातचीत करेंगे, साथ ही तेजिंदर खन्ना के बारे में और भी ज्यादा अपडेट लेंगे आपसे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम लोहिया जी, आपने अभी सुना कि जिस तरह से मूवमेंट शुरू हो रहा था, ये जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सरकार को कहीं ना कहीं इल्म था। और यही भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो एक वो वक्त था जब भारत की जो महिलाएं हैं वो दहलीज को नहीं पार करती थी घर की, आज संसद भवन तक जा पहुंची है, सड़कों तक जा पहुंची है। क्या सत्तारूढ़ पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? मैं आपकी बात से फिर ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मीरा कुमार जी पीड़ित महिला से मिलने अस्पताल गई, सुषमा जी ने अपडेट लिया, सोनिया जी गई, शीला दीक्षित जी ने अपडेट लिया, वह गई, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है हम सब लोगों की, आपकी है, हमारी है। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, अगर हम सब लोग राजनीतिक पार्टी के नजरिए से हटकर अगर एक समाज के नजरिए से देखें तो हम सब लोगों को जिम्मेदारी आप सबकी है, हम सबकी है। हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बचाए रखने के लिए हम उसमें सहयोग करें। जनता का सहयोग इतना अच्छा हो रहा है, मैं धन्यवाद करूंगा लोगों का कि एकजुटता दिखा रहे हैं अन्याय के खिलाफ। जो मुहिम चल रही है, जो मुसीबतों का सामना आज सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आज जो हालात हैं, सोनिया जी, शीला जी, कोई ऐसा नेता नहीं है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सब सबको इस चीज। लोहिया जी एक छोटा सा सवाल, आपको नहीं लगता कि काफी देर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब आए आज बहुत लेट से अपील करते नजर आए, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बहुत लेट से अपील करी, ये कुछ अगर पहले होता तो हो सकता है ये जो मूवमेंट था ये लोगों की सहानुभूति हासिल कर पाते आप और आपकी पार्टी, और इसे जल्दी काबू किया जा सकता था? देखिए जिस प्रकार की गतिविधि इस देश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार की देखिए हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी, आरोप यहाँ तो विपक्ष की यहाँ तो राजनीति की बात ही नहीं थी, क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था, जब वो मूवमेंट हो रहा था तो उस वक्त तो कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी थी नहीं वहाँ पे। देखिए हम, मैंने आपसे पहले कहा कि जिस प्रकार का वहाँ मूवमेंट चल रहा था, जिस प्रकार के लोग, जिसे आपने देखा कि एपीपी पार्टी भी उसमें सम्मिलित हो गई है, तो ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुसीबत जो सामने आई है, जो झगड़े सामने हुए हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है वह एक आम आदमी के खिलाफ हुआ है जी। वह जो हुआ है उसमें आपको पता है कि कुछ लोग उसमें ऐसे शामिल हो गए थे जिन लोगों ने उस मूवमेंट को खराब करने की कोशिश की जी। जो धरना जेन्युइनली था, जिसको तरीके से शुरुआत उसकी हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उसमें घुसकर उन्होंने उस धरने को भी खराब करने की कोशिश की जी। चलिए, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व मिलकर आ गए थे और उन्होंने इस धरने को, इस आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जी, जिसका खामियाजा तमाम लोगों के को भुगतना पड़ा, कहते हैं जौ के साथ घुन भी पिसता। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान मुरारी शरण शुक्ल जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुरारी जी आपका जी। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आम लोगों के साथ साथ पत्रकार भी पिसे हैं, कहते हैं कि कबीर जी ने चलती चक्की देखी थी तो वो रो दिए थे। सरकार और पुलिस के बीच में जिस तरह से मीडिया पैसा घुन की तरह, क्या कहेंगे जो कुछ भी हुआ, जो तमाम घटनाक्रम हुए, सबसे पहले इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखिए दिल्ली में बार बार दिल्ली पुलिस ऐसी भरभर कार्रवाइयां करती है जी, आम जनता की भीड़ पर, और दिल्ली पुलिस की उस बर्बरता के पश्चात बार बार कांग्रेस के नेता ये बयान देते हैं यह दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है जी। मैं एक बात कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली